हेलो गाइस, मैं हूँ आतिक और आप देख रहे हैं द आतिक पाशा। ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो ऐसा बनाने के लिए आपको पहले काइन मास्टर ओपन कर लेना है और इसे 16:9 पर लगा देना है, क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद आपको ऐसी वीडियो शूट करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने फोन, मोबाइल या कैमरा को ट्राइपॉड पर स्टेबल कर लेना है। इसके बाद आपको सिनेमा FV5 नाम का ऐप डाउनलोड कर लेना है और उसमें ऐसी वीडियो शूट करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम पहले इसे रोटेट कर लेंगे क्योंकि हमने वो ट्राइपॉड में सीधा फिक्स नहीं किया था। तो आप रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ऐसा नहीं किया हो तो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। कुछ गलती हो गई थी इसलिए मैंने ट्रिम कर लिया है। आपको ऐसी वीडियो पकड़नी है। आपको सबसे पहले एक कैन को टेबल पर रख देना है और थोड़ा थोड़ा उसे आकर दबाते जाना है। आप देख सकते हैं, उसके लिए थोड़ा टाइम देना है। इसके बाद फिर दबाते जाना है। देखिए, वो कैन क्रश होने के टाइप में दिखना चाहिए। फिर आना है और दबाते जाना है। आप देख सकते हैं, ऐसे ही सेम प्रोसेस आपको करता रहना है। अब देख सकते हैं, वैसे ही करते जाना है। लास्ट में आपको बॉटल को क्रश कर देना है। वो अभी नहीं आया, आपको बोलूंगा। थोड़ा थोड़ा क्रश कर कर जाते रहना है। आपको कैन को हलाना हिलाना नहीं है, उसी तरह स्टेबल रखना है। आपको कैन को हिलाना नहीं है, हमें सिर्फ उसकी शेप चेंज करनी है, इसीलिए उसे वैसा ही रखना है। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने वो कैन कैसा फर्स्ट में था उसे फोर्थ वाले ऑप्शन पर दबाना है। ड्रीम कर फोर्थ वाले ऑप्शन पर दबाना है। इससे हमें एक फ़ायदा होगा, हमें स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा और ये भी हो जाएगा और सामने वाले वीडियो को डिलीट करना है। वैसे ही सब वो सब डिज़ाइन को वैसे ही करते रहना है। उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और सामने वाले वीडियो को डिलीट कर देना है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए फोर्थ वाले ट्रिम में फोर्थ वाले ऑप्शन को दबाना है और सामने वाले वीडियो को डिलीट कर देना है। आप देख सकते हैं, हम डिलीट करते हैं सामने वाले वीडियो को और स्क्रीनशॉट को रख लेते हैं। ऐसे ही कर आपको वो जो आपको ऐसा भगाने पर वैसा दिखेगा, क्रैश होने का टाइप दिखेगा। तो आप देखिए, फोर्थ वाले ऑप्शन को दबाते रहना और सामने वाले वीडियो को डिलीट करते रहना। सेम प्रोसेस आपने जितने बार वो कैन को क्रश किया था वैसे ही करते रहना है। ट्रिम वाले जो ऑप्शन में जाना है, फोर्थ वाले इसको दबा देना है। अब देख सकते हैं, हमने वीडियो को डिलीट कर दिया और लास्ट वाले एक्स्ट्रा को भी डिलीट कर दिया। इसके बाद आपको भगाकर देखने पर ऐसा दिखेगा। अब देख सकते हैं, वो क्रश होने के टाइप दिख रहा है। देखिए, अब पेन क्रश होने के टाइप दिख रहा है। इसके बाद आपको हैंड राइटिंग पर जाना है और कलर ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। देखिए, कलर ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पेंसिल वाले ऑप्शन पर जाकर वो ब्लैक स्क्वायर को चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपको कैन को छोड़कर पूरी जगह को ग्रीन कर देना है। आप देख सकते हैं, पूरी जगह को ग्रीन कर देना है। सिर्फ कैन वाले हिस्से तक ही वो कलर, सिर्फ कैन होना चाहिए, बाकी का पूरा ग्रीन कर देना है। ध्यान रखना है, कैन का थोड़ा पार्ट भी ग्रीन में नहीं जाना चाहिए। देख सकते हैं, हमने पूरा कर दिया है। आपको चक्कर लेना है। अब हम आपको दिखाते हैं वो कैसा दिखे।
बराबर सेट कर लेना है। इसके बाद आपको हैंड राइटिंग को थोड़ा बढ़ा लेना है और उन कैप्चर किए हुए स्क्रीनशॉट्स को छोटा छोटा कर लेना है। आप देख सकते हैं हम उसे छोटा छोटा कर ले रहे हैं। आपको इतना इतना छोटा कर लेना है। आप देख सकते हैं पूरे स्क्रीनशॉट्स को सेम करना है, सेम साइज में रखना है। इतना इतना छोटा ही होना चाहिए, उसकी टाइमलाइन छोटी ही होनी चाहिए स्क्रीनशॉट्स की। आपको सभी इमेजेस को ऐसा ही करना है। याद रखना है कि आपका फोन ट्रिपॉड पर स्टेबल रहे। तो देख सकते हैं वो भगाने पर ऐसा क्रैन क्रश करता हुआ दिखेगा। तो इसके बाद आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं हमने एक्सपोर्ट कर लिया है। तो फिर से मैं आपको कहता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपको फिर से 16:9 पर क्रिएट कर लेना है और ऐसी वीडियो शूट कर लेनी है। मैं आपको दिखाता हूँ वो वीडियो। हम इसे भी रोटेट कर लेंगे क्योंकि हमने ट्राइपॉड पर उल्टा रख दिया था, इसीलिए हम इसे रोटेट कर लेंगे। मैंने एक्स्ट्रा कुछ कर दिया था इसीलिए मैंने उसे डिलीट कर दिया है। आपको ऐसे कर लेना है। रोटेट कर लेने के बाद आपको ऐसा एक्शन करना है। आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। फिर से आपको दिखाता हूँ, देखिए। अब देख सकते हैं आपको ऐसा ही एक्शन करना चाहिए, हाथ फोल्ड करने के जैसा एक्शन करना चाहिए और इसके बाद आपको एक बार टेबल पर मारना चाहिए। इसके बाद हम लेयर मीडिया पर जाकर उस ग्रीन वाले पार्ट को ले लेंगे जो हमने पहले एक्सपोर्ट कर ली थी। उसे बराबर जब हम हाथ आगे बढ़ाएंगे उसी के लिए सेट कर देंगे और क्रोमा की में जाकर उसे बराबर सेलेक्ट कर अनेबल कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने उसे बराबर सेट कर दिया है और जगह से भी मैच कर रहे हैं कैन को। आप देख सकते हैं इसके बाद आपको कैन की और अपने हाथ की टाइमलाइन को सेट कर लेना है। आप देख सकते हैं हम सेट कर रहे हैं, वो थोड़ा फास्ट हो गया है इसीलिए हम अपने वीडियो की थोड़ी टाइम को ये कर लेंगे। हम स्पीड में जाएंगे और हमारे वीडियो के हिसाब से आप सेट कर लेंगे। आपको अपनी वीडियो के हिसाब से सेट कर लेना है। हम आप देख सकते हैं हमने अपने वीडियो के हिसाब से बराबर सेट कर रहे हैं। जब हम आगे हाथ आगे करेंगे वहाँ पर हम रोक देंगे और इस लेयर वाले इसके लिए सामने बढ़ा लेंगे। आप देख सकते हैं तो जब हम ऐसा प्ले करेंगे वो हमारे हाथ के पोजीशन से मैच हो जाएगा और ऐसा दिखेगा। तो हम आप फिर से अपने वीडियो की टाइमलाइन को ये कर लेते हैं। हम देख सकते हैं हम वीडियो की टाइमलाइन को ये कर रहे हैं तो वो हमें चेक करते रहना है कि वो सीधा हो रहा है या नहीं। तो मेरी वॉइस थोड़ी ये है इसीलिए सॉरी, मुझे ज़ुकाम हो चुका है। हम देख सकते हैं जब हम ऐसे करेंगे वो एक्शन ऐसा ही दिखेगा, जब हम मारेंगे वो दब जाएगा। देख आपको फिरा कर देखते रहना है और इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ तक वीडियो को अपनी ऊपर वाली वीडियो को ये कर लेंगे। हम बराबर जब हाथ ये करेंगे हम उसके लिए नए उसे ट्रिम कर देंगे। आपके हिसाब से आपको कैसा लगेगा आप वैसा कर लीजिए, मगर वो ग्रीन वाला प्रोसेस वैसा ही होना चाहिए। देखिए आप ये मैचिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं ये पूरा परफेक्ट दिख रहा है। इसके बाद ये कैन जो दबा हुआ दिख रहा है इसीलिए हम जब हाथ बढ़ाएंगे उतने को ही ये कर लेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो पूरा परफेक्ट हो चुका है। आपको फिराकर देखना है, फिराकर चेक करते रहना है, वीडियो को नीट से बनाना है। आप देख सकते हैं वो एक्शन के हिसाब से मैच हो रहा है। इसके बाद आपको फिर से फिराकर देखना है। तो इसके बाद आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, स्किप कर देना है, ऐड आएगा उसे लिए। सेव करने के बाद
आपको वीडियो को देखना है, वीडियो में जाकर एल्बम्स में देखना है, देख सकते हैं। उसके बाद वीडियो ऐसा दिखेगा, आपको म्यूजिक सेट कर देना है। इसे लिए वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।